हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिस्कस कर रहा था। ये तो यहाँ पावर सप्लाई जो हम लोगों ने यूज की थी वो डीसी बैटरी यूज की थी, और पोलरिटी चेंज करने से जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो अभी यहाँ पे डीसी सोर्स है, अगर हम लोग एसी सोर्स यूज करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि ये जो पोलरिटी है मैग्नेटिक फील्ड की भी, वो भी करंट की डायरेक्शन के साथ में चेंज हो जा रही है। तो हाफ साइकिल में ये नॉर्थ होगा, हाफ साइकिल में दूसरे में ये साउथ होगा। तो वन साइकिल में दो पार्ट होंगे, एक अपर साइकिल एक लोअर साइकिल अल्टरनेटिंग करंट में। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ ये हाफ साइकिल और फिर दूसरा ये, तो एक कंप्लीट वे यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये लोअर साइकिल है और ये अपर साइकिल है। तो एक लोअर साइकिल में आप मान सकते हैं कि नॉर्थ बना है और दूसरे साइकिल में आप मान सकते हैं कि साउथ बना है। तो एक बार नॉर्थ एक बार साउथ, यहाँ पर आप एक बार रेड एक बार वाइट, रेड वाइट, और इस तरीके से ये इसकी पोलरिटी की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होते हुए आप देख सकते हैं, राइट। तो ये था अबाउट टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को अब देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर में क्या है कि दो कॉयल होंगी, एक प्राइमरी कॉयल और एक सेकेंडरी कॉयल। तो यहाँ एक जो कॉयल है आपकी, वो जो डीसी सोर्स है उसके साथ में एसोसिएट है। तो उससे क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। तो पहले यहाँ एग्जांपल के फॉर्म में क्या दिखाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और वो अभी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो क्या हुआ कि करंट कांस्टेंट होगी, करंट कांस्टेंट हुई तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अगर आप एक दूसरी कॉइल उसके साथ में एसोसिएट कर दें मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब होगा, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू जो है वो चेंज होता हो। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, यहाँ ये बल्ब रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि आपको इसको मूव करते हैं, राइट, और फिर देखते हैं क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जो बल्ब है उसमें आप ये लाइट देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अब चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल ही ये कॉइल के पास में रख दूं, अभी मैंने स्टेशनरी कर दिया है तो अभी कोई चेंज फ्लक्स में नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे मूव करूंगा इसको तो उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, राइट। उससे ईएमएफ से क्या होगा, ये जो दो एंड है ना इसके कॉइल के, वहाँ पे दोनों में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप किसी सर्किट को इसके साथ जोड़ देंगे तो उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ बल्ब रखा है तो ये बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, राइट। तो ये चीज़ है। तो अभी ये इसकी लाइट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये आप कितनी स्पीड से इसको मूव करा रहे हैं, राइट। ये तो यहाँ अगर धीरे से कराएंगे तो धीरे लाइट जलेगी, राइट, और अगर आप थोड़ा स्पीड से जाएंगे तो उतनी ही जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जल्दी और स्लो का मतलब केवल रेट से है कि जो उसका रेट है वो कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस लाइट वहाँ पर आपको पूरा फ्लक्स वो उसी सेंस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसी सेंस में। तो यहाँ पर ईएमएफ नहीं है, राइट, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो आप पास में लेके आएंगे तो इसका मतलब जो सेकेंडरी कॉयल है वो उसके पास में हो और जो पहली कॉयल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये डीसी करंट था और इसको अगर हम मैनुअली ऐसे मूव करेंगे तो ही फ्लक्स चेंज होगा, राइट। लेकिन अब दूसरा केस क्या है कि अगर यहाँ कंपास भी आपको दिखा दें, तो ये कंपास हम लोग ऊपर रख देते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। आ भाई, अरे आ जा, ऊपर रखते हैं थोड़ा सा ना, तो वहां से आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये तो ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ वाइट, तो इस तरीके से डायरेक्शन है। दूसरा पॉइंट फील्ड मीटर भी देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 300 गोस है जो 10 वोल्ट के रेस्पेक्ट में मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बिल्कुल ही जीरो के पास है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो फील्ड है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का, उससे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इतनी वैल्यू के साथ में आप देख सकते हैं,
तो अभी मैंने सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे रखा है, तो उससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर मैं इस सोर्स को चेंज कर दूंगा तो फिर क्या होगा? सपोज किया मैं अब जो है वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज करता हूँ, तो अब आप देखिए कि अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स में क्या है कि इसके साथ सेकेंडरी कॉइल के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट था वो चेंज हो रहा है। उसके चेंज होने से ये बल्ब जल रहा है। अगर मैं इसको और पास रख दूंगा तो क्या होगा, ये उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा है, तो अब ये उस तरीके से ग्लो करेगा, राइट। तो यहाँ इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके और पास अगर लेके आऊँगा तो पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूंगा तो क्या ये बल्ब और ज़्यादा तेज चलेगा या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है और ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से है और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले में है। तो अब मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उतनी ही जल्दी से चेंज होगा, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हुई है, राइट। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करने से आप देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है, केवल आप देख पा रहे हैं कि उसका जो रेट है वो ही चेंज हुआ है। तो यहाँ फिर मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दूँ, ये इतना रख दिया है, तो आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका पोलरिटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। वो जल्दी जल्दी चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वेव को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, 1 सेकंड में ये 50 साइकिल ऐसे कंप्लीट कर लेती है जी, और नेक्ट आई से हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। तो पॉइंट ये है, अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाऊँगा तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, उसको भी देख लेंगे। यस, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है अब ज़्यादा हुआ है, तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो और क्या पैरामीटर हो सकता है, ये नंबर ऑफ लूप देखते हैं कि अभी 2 है, 2 से अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, तो क्या बल्ब और ज़्यादा ग्लो करेगा, यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ 3 नंबर हो गए हैं, तो इसमें जो EMF जनरेट होगा उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। अगर मैं एक टर्न और ले लूँ तो मैक्सिमम नंबर जो है यहाँ पे वो मुझको लगता है ये 3 ही है, तो 3 से ये हुआ, और अगर 2 करेंगे तो और कम, और 1 में बिल्कुल कम हो जाएगा, राइट। तो ये केवल टर्न पे, अब लूप का जो एरिया है उसको अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, जो कॉयल है अगर उसका लूप, इसको बोलते हैं लूप, और ये जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं ना इसको लूप का एरिया बोलते हैं, अगर ये कम कर देंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और उसके कोरस्पोंड लाइट, राइट। तो अभी यहाँ पे लाइट पड़ी, अभी ये लाइट पड़ रही है, तो और ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो ये इस तरीके से इसका जो कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल है, राइट, उस तो उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एसोसिएट है, राइट। तो अभी ये मैटर करता है, यहाँ इसकी वैल्यू में कम या ज़्यादा करूँगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, राइट। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो इस यहाँ केवल इतना ही इस सेक्शन में ट्रांसफॉर्मर में कि केवल 2 कॉयल की ज़रूरत है, एक जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो सेकेंडरी भी अगर उसी मीडियम में रखी है तो उसके साथ भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, जबकि आप ये देख रहे हैं कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट, और इसका कनेक्शन है, राइट। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के थ्रू चल रहे हैं या बैटरी के थ्रू चल रहे हैं, तो लेकिन दूसरे केस में क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो EMF है वो प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, राइट।
लेकिन यहाँ स्टेशनरी है डीसी के केस में तो ये ग्लो नहीं करेगा, तो मैं क्या करता हूँ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगा, राइट। उससे क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट ये ट्रांसफॉर्मर का है। ओके।